पराग ह्यूमन फाउंडेशन ट्रस्ट के अंतर्गत चलाई जा रही कार्यशाला शी रॉक्स स्प्रिंगफील्ड कॉलेज में आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि सपना अग्रवाल मौजूद रहीं। उन्होंने महिलाओं को स्वयं बिजनेस कर आगे बढ़ने के बारे में सलाह दी। साथ ही इस कार्यशाला में सेल्फ डिफेंस के ऊपर अपूर्व शर्मा ने लड़कियों को विपरीत परिस्थितियों का सामना करने के टिप्स दिए। पढ़ाई के समय स्ट्रेस को कैसे दूर किया जाए, इस पर विभा अरोड़ा ने लड़कियों को सांसों और मन के बीच में संयम साधना सिखाया। साथ ही इंस्पेक्टर ज्योति ने लड़कियों को साइबर क्राइम और वुमेन हेल्पलाइन के सभी नंबरों की जानकारी भी दी और आश्वस्त किया कि मुरादाबाद पुलिस पूरी तरह से महिलाओं की सुरक्षा के लिए तत्पर है। साथ ही डॉक्टर नीतू रस्तोगी के द्वारा लड़कियों को मासिक धर्म से जुड़ी बीमारियों और सर्वाइकल कैंसर के रोकथाम के उपायों की जानकारी दी। घर बैठे इतनी अच्छी हेल्पलाइन है 1090। आप सभी बच्चियां जानती होंगी, जो पहले सेशंस हो चुके हैं उनमें भी बताया गया होगा 1090, जिसको वुमेन पावर लाइन कहा जाता है। सभी बच्चियां जानती हैं इसके बारे में, ऐसी तो कोई बच्ची नहीं है जो नहीं जानती हो। बेसिकली ये बच्चियों के लिए ही बनाई गई है ये हेल्पलाइन। इसमें सबसे अच्छी विशेषताएं क्या है कि आपका नाम पता, आपकी पहचान सब गोपनीय रखी जाएगी। आपका डाटा किसी के भी साथ शेयर नहीं किया जाएगा। जो भी आप अपनी समस्या बताएंगे वो आपको पता होगी, या जो आपकी फ़ोन रिसीव करेंगे उनको पता होगी, और आपके फ़ोन रिसीव करने वाली भी एक महिला होंगी, चाहे वो महिला कांस्टेबल हो, चाहे वो महिला SI हो। तो आप बिना किसी झिझक के अपनी समस्या बता सकते हैं। 1090 24 घंटे सातों दिन हमेशा एक्टिव रहने वाली एक पावर लाइन है, और जो आपकी समस्या सुनेंगी वो भी एक महिला होंगी। तो आप बिना किसी झिझक के, बिना किसी हेजिटेशन के अपनी समस्या घर बैठे बता सकते हैं। आपको संस्था की संस्थापिका गरिमा सिंह ने बताया कि उनकी संस्था किशोरियों के बेहतर जीवन के लिए उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा के प्रति उन्हें सचेत करने का कार्य कर रही है। साथ ही स्प्रिंगफील्ड्स की प्रधान अध्यापिका स्वाति ने सभी वक्ताओं का धन्यवाद अर्पित करते हुए कहा कि ये एक बेहतरीन पहल है। समाज में बच्चों की मनोदशा बदलने के लिए इस तरह की कार्यशाला बहुत ही आवश्यक है।